हाँ जी बच्चे लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइएगा। क्लास 9th में कंस्टिट्यूशनल डिजाइन वाकई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे लोगों को समझने में दिक्कत होती है। देखो बहुत वास्ट चैप्टर तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर एक बार जब डिस्कशन हो जाता है ना तो कोई भी चीज़ आसान लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको कुछ अलग नहीं बताने वाला, पर ये जरूर है कि जब आप मेरे साथ बने रहोगे तो हर एक टॉपिक को इजिली समझ सकते हो। एनसीईआरटी के बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए, उन सारे इंपॉर्टेंट चीज को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और उम्मीद करूंगा कि ये क्लास करने के बाद आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मेरा नाम महेश तिवारी है। रेस एकेडमी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा क्लास डेली लाइव होता है 8 PM फॉर क्लास 9th। किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का चीज हो तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप चैट सेक्शन में, आप चैट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। लाइव क्लास में अगर ये रिलेवेंट होगा तो एक एक चीज मैं आपको जरूर समझाऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल के साथ बने रहना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चे लोग, क्योंकि हमारा मोटिवेशन वहीं से शुरू होता है। आप जितना ज़्यादा आप मेरे को हेल्प करोगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। तो देखो ये YouTube जो है आपको एक तरह का फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी टीचर के साथ, किसी भी वीडियो के साथ जुड़ सकते हो और एक से बढ़कर एक वीडियो देख सकते हो। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको हमेशा बेस्ट चीज़ दे सकूं, और ये कोशिश हो सकता है कि कभी हमारी कोशिश में आपको हमारे मेहनत में आपको कमी नजर आए, पर ऐसा नहीं है बच्चे लोग। मैं कंप्लीट आपके लिए हर एक चीज़ को कोशिश करता हूं अपने तरफ से 100% कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से लेकर आऊं। तो कंस्टिट्यूशनल डिजाइन आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या चीज़ लेना चाहते हो, आपका मेन चीज़ क्या है, मेन स्ट्रीम क्या है, और आगे आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कंस्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें आप कहानी नहीं बना सकते हो, जो फैक्ट होगा उस फैक्ट को आप लिखोगे, जो फैक्ट होगा उसी फैक्ट पे आपको नंबर मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कंस्टिट्यूशनल डिजाइन। गुड इवनिंग प्रियांशु। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा का सारा मैं मार्क करके लेकर आया हूँ, आपको अच्छे से समझना है। जो डाउट होगा उन सारे चीज़ को पूछ लेना है, और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो कि इस बुक में दिया हुआ हो और इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंस्टिट्यूशनल डिजाइन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये कंस्टिट्यूशन होता क्या है ना। सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर ये कंस्टिट्यूशन होता क्या है, आखिर ये कंस्टिट्यूशन है क्या। तब तो हम समझेंगे कि कंस्टिट्यूशनल डिजाइन क्या होता है। तो देखो किसी भी देश को चलने के लिए, किसी भी देश को सही मायने में सरवाइव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई देश सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज आत्मा ऑफ ए कंट्री। बिना जिस तरह से आत्मा का कोई आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, एग्जैक्टली उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई देश सरवाइव नहीं कर सकता। तो बच्चे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर एक चीज हम लोग जानने वाले हैं। भारत में कैसे हुआ, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम किया, एक केस स्टडीज में लिया गया है दैट इज अफ्रीका, और अफ्रीका का केस स्टडी लेने के पीछे भी बहुत कुछ कारण है, इसीलिए हम लोग अफ्रीका के लिए हैं। और इसका सबसे मेन कारण ये है कि अफ्रीका जो है दैट इज द लेटेस्ट कंट्री हु इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अपार्थेड। अपार्थेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अपार्थेड होता क्या है, और वहाँ एक सबसे नया कंस्टिट्यूशन बना है आज की डेट में, अगर हम पूरे वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो। तो इसलिए एक केस स्टडी में आपको बताऊंगा कंस्टिट्यूशनल डिजाइन का, है ना। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। तो सबसे पहला चीज ओवरव्यू आप देख लो कि कहता है कि कंस्टिट्यूशनल डिजाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन चीज है कि किसी भी देश के लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है, और वो रूल्स जो होता है, जो लॉ के रूप में काम करता है, जो रूल्स होता है वो लॉ के रूप में जब काम करता है उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई रूल जो है, जब लॉ के रूप में काम करना शुरू करता है तो क्या बन जाता है,
कंस्टिट्यूशन बन जाता है किसी भी देश का। तो आप लोग को पता होगा रूल और लॉ में क्या फर्क है। एक बार फिर से मैं आपसे ही पूछूंगा कि रूल और लॉ में क्या फर्क है बच्चा। शायद मेरे को लगता है कि इससे पहले इसके बारे में आप बताया होगे, पर फिर भी एक बार मैं जानना चाहूंगा कि रूल और लॉ में क्या फर्क है। जल्दी से आप जवाब दे देना कि व्हाट इज रूल और व्हाट इज लॉ, दोनों में कोई फर्क है या नहीं है। तो चलिए इसका जवाब आप देते रहना, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो मेन चीज होगा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का नीड पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा आप, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो नीड पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या शेप है, और कुछ और भी बहुत कुछ इसके अंदर जो है किस तरह से आपका बना है वो सारा कुछ। बिल्कुल सही बोले हो प्रियांशु कि यहाँ पर जो मैंने बोला कि सबसे पहले एक रूल का फॉर्मेशन हुआ और इसी रूल को लॉ के रूप में सामने लाया गया, और यही लॉ जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्ट रूल को नहीं कह सकते हो, पहले रूल बनाया गया और उसके बाद लॉ बनाया गया, और जब ये लॉ बना दैट इज द फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नीड, डिजाइन, वैल्यू एंड शेप, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात, पहले के जमाने में आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े राजा हुए वो राजा में जो भी है वो सारे के सारे ठीक है, किंगडम थे, पर उन सब में एक चीज की कमी थी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई देश का एक राजा होगा तो अपने मन से जैसा उनका मन होता था उसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी सजा देते थे, वो किसी के साथ व्यवहार करते थे, और वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर मानते थे। पर किसी भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कोई पर्सन नहीं है। तो किसी भी पर्सन से या कि देश में सबसे ऊपर अगर कोई है तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो या प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, ये सब के सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपका काम करता है। क्लियर ना। तो चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कहता है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में तो आपको बता चुका हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग टूगेदर इन ए कंट्री। हम भारत में रहते हैं, भारत में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करता हो, है ना। इनफैक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये कारण क्या है, देखो बहुत ऐसे देश आपको मिलेंगे जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध करने वाले लोग हैं, पर ये तभी पॉसिबल है जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ कमी हो। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, इनफैक्ट ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, है ना। तो आप हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए बच्चे लोग कि हिंदुस्तान जैसा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। ये हिंदुस्तान ही वो देश है जहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल भी है और स्ट्रिक्ट भी है, अच्छा भी है और खराब के लिए खराब भी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका सबसे जो मेन चीज है भाई, सबसे मेन चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो थीम है वो थीम यही कहता है कि 100 गुनाहगार अगर बच जाए तो चलेगा, 100 गिल्टी पर्सन अगर बच जाए तो चलेगा, पर एक भी ऐसे पर्सन को गिल्टी नहीं ठहराना चाहिए जो बाकी में गुनाहगार नहीं हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटो है कि 100 गुनाहगार को सजा नहीं मिले वो तो चलेगा, पर बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी कारण हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब भी किसी को सजा दिया जाता है तो केस बहुत लंबा चलता है। और इसके पीछे का कारण है कि अगर इसके अंदर जो सच या जो झूठ होगा वो धीरे 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 क्या होगा, सामने आ जाएगा, और एक निर्दोष आदमी को सजा मिलने से बच जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें। देखो ये केस स्टडी दिया है ना, ये केस स्टडी दिया, और केस स्टडी देने के पीछे का मेन कारण जो होता है
कि समझना आसान होता है, आप जो है ना किसी चीज़ का स्टडी करने के बाद एग्जैक्ट थीम को समझ पाते हो। और इसीलिए यहाँ पर एक केस स्टडी आया है, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में फ़र्क है बच्चे लोग, अफ्रीका होता है दैट इज कंटिनेंट एंड साउथ अफ्रीका एक देश है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका में क्या था कि अपार्थिड था। व्हाट इज अपार्थिड? तो अपार्थिड का मतलब आपको बता देते हैं कि नॉर्मली जब कलर के बेस पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, कलर के बेस पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, उसको अपार्थिड कहते हैं हम लोग। और ये चीज किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को ब्लैक अगर देखते हैं और उससे अगर दूरी बनाते हैं तो वाकई में उनके मन में हमारे लिए क्या होगा, पीड़ा होगा। और वो पीड़ा जो है देश को बांटने का काम करता है। और अफ्रीका में यही सारे चीज चल रहे थे। अफ्रीका में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो लोग थे दैट इज ब्लैक पर्सन, ब्लैक पीपल। अफ्रीका में करीब 80% लोग ब्लैक थे और 15-20% ही वाइट पीपल थे। और ये वाइट पीपल जो थे ना वो क्या कर रहे थे, पूरे अफ्रीका पे रूल कर रहे थे। अफ्रीका की अगर बात करें तो बहुत ख़राब स्थिति थी, बहुत ख़राब स्थिति थी। और इसके कारण अफ्रीका के ऊपर बैन भी लगाया गया। आज की डेट में अपार्थिड को बहुत ज़्यादा हेनस क्राइम माना जाता है। हेनस तो आप समझते होंगे, मतलब घिनौना, किसी व्यक्ति के आत्मा से प्यार न करके, किसी व्यक्ति के विचारों से प्यार न करके, उसके रूप और रंग के साथ प्यार अगर किया जाता है तो दैट इज वाकई में शेमफुल, बिकॉज अफ्रीका में यही चीज हो रहा था, है ना। तो इस चीज के खिलाफ जो है वहां के एक बहुत बड़े लीडर थे नेल्सन मंडेला, आप उनके बारे में जानते भी होंगे, जो अफ्रीका साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, जो कि आपका ब्लैक पीपल थे। नेल्सन मंडेला जो थे अपनी पूरी जवानी उन्होंने जेल में बिताया, करीब 28 ईयर्स उनका जो जीवन था वो कहाँ था, इन जेल। उसके बाद 28 ईयर्स के बाद 1994 के लमसम में इनको फिर क्या किया गया, आज़ाद किया गया। तब तक इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में आखिर नेल्सन मंडेला को जेल क्यों हुआ था। तो जेल देने के पीछे बच्चे कारण ये थे कि नेल्सन मंडेला जो थे वो राइट ऑफ ब्लैक पीपल के लिए काम कर रहा था। ये खुद भी ब्लैक थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली काम करता था ब्लैक पीपल के लिए, और ये ब्लैक पीपल के अधिकारों को क्या करते थे, मांगते थे, है ना। तो सबसे पहले अपार्थिड जो किया क्या था, तो अपार्थिड जो था अफ्रीकन पीपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। किस चीज़ से, विचारों से, बाउंड्री से नहीं था, विचारों से। एक तरफ जो थे दैट इज वाइट पीपल और दूसरे तरफ थे जो दैट इज ब्लैक पीपल। और इन दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई थी। ये खाई बढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण था। क्यों? क्योंकि ब्लैक पीपल के जो अधिकार होता है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये ब्लैक पीपल के पास नहीं था। ब्लैक लोग जो थे उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था। और जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी विशेष अधिकार दिया गया था, दैट इज ऑल गिवन टू द वाइट पीपल। और यही चीज अफ्रीका के लिए सबसे बुरा हुआ, सबसे खराब हुआ। तो सबसे पहला चीज आपको ये समझ जाना है कि अपार्थिड है क्या। तो द अपार्थिड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन वाइट एरियाज। देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि अगर कोई ब्लैक पीपल है तो किसी भी वाइट एरिया में नहीं जाएगा। इसके अलावा दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन वाइट एरियाज, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। वो वाइट एरिया में तभी काम कर सकेगा जब उनके पास परमिट हो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, ये सबके सब उनका सेपरेट हुआ करता था, और इसमें किसी भी तरह से वाइट और ब्लैक पीपल एक साथ किसी चीज को शेयर नहीं करते थे, है ना। इनफैक्ट पब्लिक टॉयलेट्स भी जो होता था ब्लैक पीपल के लिए अलग था। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ जो ब्लैक पीपल थे और दूसरे तरफ जो वाइट पीपल थे, इन दोनों को क्या क्या सेपरेट कर दिया गया था, तो दैट इज हॉस्पिटल, स्कूल्स, बसेस
ट्रेन्स टेम्पल्स, टेम्पल्स इन द सेंस उनका जो चर्च था, ठीक है ना, इसको चर्च बोलेंगे सही मायने में, चर्च और कोई भी पब्लिक प्लेस, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस, ये जितने भी चीज थे ये सब के सब क्या कर रहे थे, तो ब्लैक का अलग था और व्हाइट का अलग था, ब्लैक का अलग था और व्हाइट का अलग था, और इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया था, दीवार बन गया था, और इस दीवार को ही हम लोग कहते हैं सेग्रेगेशन। क्या कहते हैं? सेग्रेगेशन। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस आया, जो सब कुछ अलग अलग जो हुआ, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रेगेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेग्रेगेशन, तो आपको यही बताना है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट पीपल को ऑन द बेस ऑफ देयर कलर्स हॉस्पिटल्स, स्कूल, बसेस, ट्रेन्स, टेम्पल्स, चर्चेज, पब्लिक प्लेसेस जितने भी है, ऑल आर सेपरेटेड, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट सेग्रेगेशन, है ना। तो कहता है कि सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1950 के समय में जो वहाँ के लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडिया से वहाँ गए थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्लैक पीपल वहीं के एबोरिजाइन्स थे, ये सब के सब क्या करने लगे, व्हाइट पीपल के साथ लड़ना शुरू कर दिए, उनके सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर दिए, और इसके लिए उन्होंने एक पार्टी बनाया था, दैट इज ANC। बताओगे ANC का फुल फॉर्म क्या है? एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज ANC। ANC का फुल फॉर्म क्या है भाई? फुल फॉर्म ऑफ ANC। तो ANC का गठन किया गया था, और सबसे मजे की बात है कि अपार्थेड को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे, वैसे बहुत कम ही ऐसे पीपल थे जो अपार्थेड को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट ANC बनने के बाद ANC के ऐसे भी मेंबर्स थे, अगर हम ANC की बात करते हैं, तो ANC के ऐसे भी मेंबर थे जो कि वाइट पीपल थे, जो कि वाइट पीपल थे। व्हाट इज ANC प्रियांशु? बिल्कुल सही जवाब, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो आपका था ANC, ये बेसिकली आपका ऐसे ऐसे भी लोग इसमें जुड़ गए थे जो वाइट पीपल थे, और ये ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दे वर्क फॉर द ब्लैक पीपल, ये ब्लैक पीपल के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, अपार्थेड को अपोज करते थे, और जितने भी सेंसिटिव लोग थे जो समझते थे कि अपार्थेड इज ए बैड थिंग, वो सब के सब क्या करने लगे, ANC को सपोर्ट करने लगे, और वहां का जो अपार्थेड था उसको अपोज करना शुरू कर दिए। तो अपार्थेड जो था वाकई में क्या था, दैट इज द डार्क साइड ऑफ द अफ्रीका, दैट इज द डार्क साइड ऑफ द अफ्रीका। अब यहां पर देखो, अपार्थेड को खत्म होने के पीछे बहुत सारा कारण था। अब यहां पर टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब अफ्रीका में जो अपार्थेड था, इसके बारे में एक और छोटा सा चीज बता देता हूं मैं, कि जो अफ्रीकन क्रिकेट टीम थी, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम थी, उस टीम के ऊपर बैन लगा दिया गया था, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के ऊपर बैन लगा दिया गया था, और ये बैन लगाने के पीछे का कारण था बच्चे लोग अपार्थेड, क्योंकि उनके क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो ब्लैक पीपल का एंट्री नहीं होने देते थे, और इनफैक्ट अगर ब्लैक आता भी था तो उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता था जिससे कि वो या तो टीम छोड़कर अपने आप चले जाएं या फिर उनको टीम से निकाल दिया जाए। और ये चीज जब ICC में गया, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो इसके कारण साउथ अफ्रीका के ऊपर बैन लगा दिया गया था, पूरे विश्व में इसका क्या होने लगा, कंडेम होना शुरू हो गया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए लोग, और इस कारण से आपका अपार्थेड क्या हो गया, धीरे 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 साउथ अफ्रीका में टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ यहां तक? अब अफ्रीकन पीपल जो थे इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, अफ्रीकन पीपल बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए। एक मजे की बात बता देता हूं कि आप देखे होंगे फ्रेंसिस रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस का फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे बहुत सारा ऐसा कारण था, जो कारण क्या था आपका, तो सरकार की नीति ही वहाँ के लिए जिम्मेदार थी। जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण था सरकार की नीति, द पॉलिसी ऑफ
पॉलिसी ऑफ मोनार्क, है ना, ये मेन कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे। तो यहाँ पर भी देखो एक ही चीज़ था कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे उनको किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैक्सिमम लोग जो थे उसके अगेंस्ट में चलना शुरू हो गए, और उसके बाद आपका रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ। लेकिन अफ्रीकन पीपल में ये चीज़ था, जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनके पास अभी भी ये सिंपैथी था कि हमको अपने देश को बनाना है, हमारे अपने देश को इस तरह से डेवलप करना है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई निगेटिव थिंग नहीं हो, बिल्कुल डिवीजन इन स्टेट्स। तो टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे हुआ, तो कहता है एज ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थेड एंड क्रीज द गवर्नमेंट रियलाइज। जब यहाँ पर क्या होने लगा, शोभा कुमारी गुड इवनिंग, जब यहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर आपका अपार्थेड जब बढ़ना शुरू हो गया, वहाँ के गवर्नमेंट को यह लगना शुरू हो गया कि दे आर द अगेंस्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और एक समय ऐसा आएगा कि दे ऑल आर इन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, और अगर ऐसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ के लोकल पीपल इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका क्या ही दुष्परिणाम होगा, तो अफ्रीका फिर से आपका बैकवर्ड नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। और इसीलिए यहाँ का जो भी गवर्नमेंट था उन्होंने ये रियलाइज किया कि सिचुएशन खराब होने से पहले ही यहाँ कुछ ऐसा कर दिया जाए। रिप्रेशन का मतलब बच्चे लोग रिप्रेस करना, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी के मन के खिलाफ काम करना। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और करूं और आप चाहते हो कि मैं कुछ और करूं, और इसके लिए आप मेरे को प्रेशर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि थ्रू रिप्रेशन, इसका मतलब कि जो वहां के व्हाइट पीपल थे, वो व्हाइट पीपल क्या चाहते थे कि प्रेशराइज करके लोगों को, ब्लैक पीपल को क्या किया जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए। और यही आपका अफ्रीका के लिए क्या था, डार्क साइड था। और यहाँ पर इन्होंने रियलाइज किया कि ये चीज बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, और इसीलिए फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, ये डेट याद रखना, 26 अप्रैल 1994 को एक नया फ्लैग बनाया गया, एक नया फ्लैग बनाया गया, और वो फ्लैग था दैट इज द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, और ये सही मायने में न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड था इन 1994। डेट था दैट इज 26 अप्रैल 1994। इसको याद करने का तरीका बच्चा ये है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग हुए थे रिपब्लिक कंट्री, और 26 अप्रैल 1994 को आपका साउथ अफ्रीका हुआ, और न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसके बाद इन्होंने रियलाइज किया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिस सिस्टम में किसी तरह से अपार्थेड का कोई मतलब नहीं रहे, उस सिस्टम में अपार्थेड का कोई वैल्यू नहीं रहे। तो इसके लिए कंस्टिट्यूशन का होना जरूरी था जिससे कि आम आदमी का, हर किसी का अधिकार सेफ रह सके, है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि जो ब्लैक लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स ने क्या किया, अपने लोगों को अपील किया, अपने लोगों के साथ अपील किया, कौन लोग, जो ब्लैक पीपल थे, कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हो, तो 100% आपकी मेजोरिटी है, इट मीन्स कि आप जो चाहोगे वही होने वाला है, इट मीन्स कि गुड इवनिंग विवेक चौबे, इट मीन्स कि आप जो चाहोगे वही होने वाला है, और इसीलिए कल की डेट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि कल की डेट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि वाइट पीपल में कुछ ऐसा लगे कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने ब्लैक पीपल को अपील किया कि जो वाइट पीपल जो अभी तक जो कुछ भी एट्रोसिटी चला रहे थे उन सबको क्या कर दिया जाए, फॉरगिव कर दिया जाए, है ना। अब यहां पर क्या हो गया कि द पार्टी रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर। तो अब यहां पर क्या हो गया, एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब होता है नफरत, ठीक है ना,
एट्रोसिटी का मतलब जब आप किसी के साथ बहुत गलत तरीके से, बहुत बेदर्दी के साथ व्यवहार करते हो, तो उसको एट्रोसिटी कहते हैं, है ना। बिल्कुल इनडिसेंट मैनर में जब आप किसी के साथ बिहेव करते हो, दैट इज कॉल्ड एट्रोसिटीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है अफ्रीका में दो लोग मिल चुके थे, अफ्रीका में दो लोग कौन कौन मिल चुके थे, तो एक ब्लैक पीपल जिनके दिल में क्या था, ये ध्यान देना कि जिनके दिल में था फॉरगिवनेस, एक था ब्लैक पीपल जिनके दिल में था फॉरगिवनेस, और दूसरे तरफ वैसे लोग थे जो कि ब्रूटल थे, जो ब्रूटल किलिंग किए। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत खराब, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, बहुत खराब। उन्होंने ऐसा किया। आज के डेट में दोनों ब्लैक एंड वाइट पीपल, दोनों ब्लैक और वाइट पीपल मिलकर किस चीज़ का डिजाइन कर रहे थे भाई, तो कंस्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। तो ये अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपार्थेड नाम का कोई चीज़ अब वहाँ बचने वाला नहीं था। कहता 2 साल का डिस्कशन चला, डिबेट चला 2 साल तक, और अल्टीमेटली 2 साल बाद वहाँ पर एक नया कंस्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया। 2 ईयर्स के बाद एक नया कंस्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, और ये कंस्टिट्यूशन जो था बना, ये लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाला था। लोगों के अधिकारों को क्या रखने वाला था, सुरक्षित रखने वाला था, सेफ करने वाला था। अब यहाँ पर जो वाइट पीपल थे, ये ध्यान देना कि वाइट पीपल का पॉपुलेशन कितना था, जो वाइट थे अराउंड 20%, और जो ब्लैक पीपल थे उनका पॉपुलेशन था 80%। अब अफ्रीका में क्या कर दिया गया, वन पीपल वन पर्सन और वन वोट, ये अफ्रीका में कर दिया गया, वन पर्सन वन वोट। अगर 1% 1 वोट किया गया, इसका मतलब है कि 100% जो ब्लैक पीपल थे दे विल डोमिनेट टू वाइट। जो ब्लैक थे, ब्लैक क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे भाई ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक आदमी का एक वोट था, और इसका नतीजा यही होता कि ब्लैक पीपल जो थे जो चाहते वो करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने वाइट पीपल के साथ भी फेयरनेस किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वाइट पीपल के अधिकार को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक सब कुछ क्लियर। अब यहां पर क्या हो गया, कहता आफ्टर लॉन्ग निगोसिएशन, बहुत लंबा चल, निगोसिएशन क्या होता है, निगोसिएशन के बारे में बताओगे कोई, व्हाट इज निगोसिएशन, व्हाट इज निगोसिएशन, निगोसिएशन का मतलब बताइएगा, मैं बता देता हूं। निगोसिएशन का मतलब होता है भाई समझौता, समझ गए ना। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है तो निगोसिएशन होता है, जब आपको बहुत ज्यादा कहीं कुछ लगता है उस केस में आप निगोसिएशन करते हो। तो निगोसिएशन आप समझ गए होंगे, निगोसिएशन होता क्या है। नहीं भाई, निगोसिएशन का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, तो दो लोग कौन कौन से भाई, तो ब्लैक एंड वाइट, दोनों दो लोगों का विचार अलग अलग, दोनों लोगों का इंटरेस्ट जो है, दैट इज डिफरेंट। इसका इंटरेस्ट अलग होगा, इसका इंटरेस्ट अलग होगा, इन दोनों का राइट्स अलग अलग, इन दोनों का रूप रंग अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, पर फिर भी इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन क्या किया, कॉमन इंटरेस्ट बनाया। ये दोनों मिलकर एक कॉमन इंटरेस्ट बनाया, और उस कॉमन इंटरेस्ट के बाद ये चीज बोला गया कि जितने भी वाइट पीपल हैं, जो भी वाइट पीपल हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई अधिकार उनका छीना नहीं जाएगा, है ना। सबसे पहले जो गरीब लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, पेज स्किप हो गया, अब ठीक है ना।
अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, आखिर अफ्रीका में जो कुछ भी हुआ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, आखिर वो लोग क्यों चाहे अफ्रीकन पीपल की एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, वो चाहे ब्लैक हो या फिर वाइट हो, इसके पीछे का कुछ कारण। यहाँ पर देखो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाट डू द कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, ये आपका अफ्रीका से बढ़िया एग्जाम्पल और कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे का यही कारण था कि कंप्रोमाइज हो दोनों में, दोनों के बीच में निगोशिएशन हो और उनके अधिकारों को फिक्स रखने के लिए कुछ काम किया जाए, उनके अधिकारों को फिक्स रखने के लिए कुछ काम किया जाए, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंप्रोमाइज किया गया। किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक आपका मेजोरिटी और दूसरा आपका माइनॉरिटी। तो नॉर्मली हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कौन है बताएगा क्या? हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कहते किसको है देखते हैं, कौन बताता है, हु इज द माइनॉरिटी इन हिंदुस्तान, कौन ऐसा है जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में आता है? तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर जो व्हाइट पीपल थे वो व्हाइट पीपल किस में चले गए, माइनॉरिटी में चले गए, और जो ब्लैक पीपल थे वो मेजॉरिटी में चले गए, और डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी में रहेगा उनका अधिकार ज्यादा होता है। किसी भी देश कहीं भी देख लो, किसी भी देश में देख लो, जिनका पॉपुलेशन अधिक होगा गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी और पॉलिसी उनका हमेशा फेवर करेगा। पर अफ्रीकन पीपल ने ऐसा क्या किया, एक मिसाल पेश किया, वो मिसाल क्या पेश किया भाई कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि दुनिया में गलत मैसेज जाए, और इसके पीछे का जो मेन कारण था दैट इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला मेन कारण थे, उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया जिससे कि वहाँ के रहने वाले माइनॉरिटी वाइट पीपल के मन में किसी तरह का कोई परेशानी हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उन्होंने एक रूल बनाया, उस रूल को लॉ के फॉर्म में बनाया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में भी उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लॉ का फॉर्मेशन किया गया कि फ्यूचर में भी जो वाइट पीपल है उनके अधिकार में किसी तरह की कमी नहीं की जाए, जो वाइट पीपल उनके अधिकारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, और इसके लिए उन्होंने लॉ का फॉर्मेशन किया। और यही कारण है कि आज की डेट में साउथ अफ्रीका एक तरह का पूरे दुनिया में सिंबल के तरह काम करता है, जहाँ पर इतनी नफरत हो, जहाँ पर लोगों के बीच में इतनी दूरी हो, इतना खाई हो, वहाँ पर लोग इतने घुल मिलकर रहते हैं, वाकई में सीखने वाली बात। तो यहाँ पर क्या देखो आप कि अगर दोनों की बात करें मेजोरिटी और माइनॉरिटी की, तो जो मेजोरिटी थे, यस माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी थे, माइनॉरिटी की अगर बात करते हैं तो माइनॉरिटी जो लोग थे कौन से भाई, तो वाइट पीपल, जो वाइट पीपल थे दे आर इन माइनॉरिटी। तो इन्होंने क्या किया कि इस वाइट पीपल के पास आपका जो दे ऑल आर रिच पर्सन, वो सबके सब क्या थे, पैसे वाले धनी लोग थे, इनके पास सारा का सारा जमीन था, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डिजाइन किया गया कि अमीरों के पास या वाइट पीपल के पास जो कुछ भी संपत्ति है वो संपत्ति उनसे किसी भी कीमत पे जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, वो संपत्ति जो उनका है वो संपत्ति उनका ही रहेगा, और इसके ऊपर भविष्य में किसी तरह का इस कानून को ना बदला जाए, इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से बनाया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फॉर्म बाय डिफरेंट मेथड, दो तरह से बनाया गया, और दो तरह कौन था, एक बेसिक था, एक बेसिक लॉ, और दूसरा जो था दैट इज कॉमन, जो कॉमन होता है। तो बेसिक लॉ था, जो बेसिक लॉ इस तरह से बनाया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सारे में अमेंडमेंट तो हो जाए, इन सब में अमेंडमेंट तो हो, पर बेसिक लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज किया गया, है ना।
तो साउथ अफ्रीका बाकी में हमारे लिए एग्जाम्पल रहा। अब आते हैं यहाँ पर, कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। कहता है कि आप अगर किसी से वर्बली बोलते हो तो वर्बली बोलते भी हो तो उसका कोई कीमत नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ उस समय के लिए होता है, लेकिन जब किसी चीज़ को आप लिख देते हो, जब किसी चीज़ को आप लिख कर दिखाते हो या बताते हो, तो इस केस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दैट मैटर्स, उनके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है ना। तो कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ होता है तब जाकर वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उसमें से पहला इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स है भाई, ये आप नहीं होगा तो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि पूरा याद नहीं किया जा सकता, पूरा रटा नहीं जा सकता, तो पॉइंट्स के रूप में आपको ये समझना है, पॉइंट्स के रूप में आपको ये लिखना है। क्या पहला, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट बन गया जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट। जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट मतलब कि जो ब्लैक है वो वाइट पे ट्रस्ट करें और जो वाइट है वो ब्लैक पर ट्रस्ट करें, दैट इज द डिग्री ऑफ ट्रस्ट, पहला चीज। दूसरा कहता है इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट। अब यहाँ पर ये रूल ही बताता है या फिर लॉ ही बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की होगी। थर्ड नंबर कहता है इट लेज डाउन द लिमिट्स। इसके अलावा जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। नरेंद्र मोदी इज द सुपीरियर पावर या फिर प्रेसिडेंट इज द सुपीरियर पावर, इट मीन्स दे परफॉर्म एनी एक्टिविटी, दे टेक एनी डिसीजन, बट दिस इज नॉट हैपन बिकॉज दे आर बाउंडेड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक आदमी किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑलवेज हाईएस्ट अथॉरिटी इन एनी कंट्री। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या बन जाए, निरंकुश बन जाए, इसका मतलब कि ऐसा बन जाए मोनार्क की तरफ बिहेव करना शुरू कर दिए, और इस चीज से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा एक्सेप्ट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तभी हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम लोग सेफ भी नहीं होते, 100% हम लोग सेफ नहीं होते, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी बह, जो मजबूत वही वो काम करता। तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता, लोग जो हैं गलत चीज़ में इन्वॉल्व होते, और ये बचाता कौन है भाई, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ बताता है कि क्या सही है, और लोगों का उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या एस्पायरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका वर्क करता है। क्लियर। अब आगे आते हैं मेकिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चे लोग यहां तक क्लियर है आप लोगों का, यहां तक सब कुछ क्लियर, क्योंकि इसके बाद हम मेकिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। हम लोग बहुत कुछ इसमें कर लिए हैं, आपका लगभग सोशल जो है पॉलिटिकल साइंस हो चुका, तीसरा चैप्टर है, और इकोनॉमिक्स में हम लोग का एक चैप्टर हो चुका है। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और इसीलिए दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है समय समय पर बदलता रहता है या बनता रहता है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता है ना। तो कहता है कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया इज अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। कहता है जिस तरह से साउथ अफ्रीका में दिक्कत थी, सेम दिक्कत आपका इंडियंस में भी थे, यहाँ इंडिया में भी उसी तरह की दिक्कत हो रही थी, पर उसके बावजूद भी थोड़ा सा फर्क था,
इंडिया और अफ्रीका में थोड़ा सा फर्क था। फर्क ये था कि इंडिया के अंदर आपका अपार्थिड नहीं था, है ना, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट नाम से कोई चीज नहीं था। ये इंडिया के लिए फेवर का काम किया, इंडिया के लिए मजबूती का काम किया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और वाइट वाला कोई इशू नहीं था, पर अफ्रीका में आपका ब्लैक एंड वाइट का इशू था, और इसीलिए अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। कहते हैं कि मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। दूसरी बात क्या हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कहता है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के पीछे क्या क्या मेहनत किया गया, किस तरह से वर्क किया गया, उसको कहते हैं द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता क्या है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि यहाँ पर सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले थे, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले थे, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कॉमन कंसेंसस था इंडिया में, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया में आसान हो गया। तो ये जो कंसेंसस हुआ ये आपका उसी समय बन गया था जिस समय इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, उसी समय आपका ये चीज बन चुका था, है ना। चलिए अगला कहता है एज फार बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार जब ड्राफ्ट करना हम लोग शुरू किए तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू, दैट इज द फादर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड द एट अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गुड इवनिंग बिक्की चौबे, तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन हुआ, तो सबसे पहला अगर कोई नाम था तो दैट इज मोतीलाल नेहरू। 1929 में ही 8 दूसरे नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दिया। और इसके लिए क्या बनना था भाई, तो इसके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनना था, और इसमें करीब करीब 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स, 299। कहता है द फैमिलीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कॉलोनी रूल और हेल्प डेवलप। अब यहाँ पर हम लोग को ये भी पता है कि इंडिया के ऊपर जो अंग्रेजों का अधिकार था, तो हम लोगों के यहाँ के जितने भी स्कॉलर्स थे उन सबको ये पता चल चुका था, कि इंडिया में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी है, किस तरह से काम होना चाहिए, उनको सब कुछ पता था। और दे ऑल आर कॉमन पीपल। तो आप बताइएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, देखते हैं कौन जवाब देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, याद करके बताइएगा चैट सेशन में। तो ये सारा का सारा डिजाइन किया गया और धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हमारे सामने नजर आया। क्या बात है, गूगल देखने लगे क्या, स्टोरी टाइम्स। अब आगे चलते हैं, कहता है इयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट, आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या हो गई कि हमारे जितने भी लीडर्स थे, वो चाहे मोतीलाल नेहरू हो या फिर अंबेडकर हो या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर पटेल हो, है ना, तो ये सबके सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना शुरू किया, और इनको पता था, इनको सारा आइडिया मिल चुका था कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी है,
किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदल दिया जाए जिससे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे अच्छा कहलाए। तो कहता है कि ये जितने भी मेंबर थे, ये सारे के सारे मेंबर मिलकर क्या बनाए थे, तो असेंबली बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए थे। और इसमें बहस होता था, जो एग्जैक्ट चीज होता था, जो फैक्ट होता था, वो सारे फैक्ट्स को क्या कर दिया जाता था, नोट डाउन कर लिया जाता था। तो कहता वाई शुड बी एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। कहता है हमारा जो बना कॉन्स्टिट्यूशन आज से करीब 70 साल पहले बना, 1950, आज 2021 हो गया, तो आज से 70 साल पहले बना, तो 70 साल पहले बना हुआ, समय बदल चुका, सिचुएशन बदल चुका, लोग बदल चुके हैं, है ना। पर फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुआ, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो मैं बता देता हूं बच्चे, तो मेन कारण यह है कि जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किए थे, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन सिचुएशन और फ्यूचर प्लानिंग, इन सबको मिलाकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पीछे का बहुत ज़्यादा मेहनत है, और मेहनत क्या है, तो एक पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब इंडियन पीपल के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन, इंडियन पीपल का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर अमेंडमेंट होता रहता है, पर फिर भी कोई मेजर चेंजेज आज तक नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 70 साल बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जस का तस है, कोई मेजर चेंजेज नहीं हुआ। तो इसके पीछे का कारण है इन लोगों का हार्ड लेबर, जो लोग यहाँ पर थे वो सारे लोग हार्ड लेबर करके एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। मेनी कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे बहुत से देश हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से नया फॉर्म कर रहे हैं, पर इंडिया के केस में ये नहीं बैठता है, क्योंकि इंडिया में आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया ही गया है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। क्लियर है? क्लियर। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये चीज आपको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। अब कहता क्या है, मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कहता द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविंसेस। कहता हमारा 70 साल का जो जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 70 साल का जो जर्नी है, इस ये ऐसा नहीं है कि ये जर्नी शुरुआत से ही बिल्कुल सेफ था, बिना कंट्रोवर्सी का था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी थे, उन कंट्रोवर्सी को क्या किया गया, सॉर्ट आउट किया गया दूसरे तरीके से, जिसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की कोई कमी ना रह सके। इसके अलावा द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी। इसके अलावा द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कंस्टिट्यूशन, कहता है देखो पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बेनिफिट बताएंगे तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन मार्क, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज कहता है कि
हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल थी, रेस्पॉन्सिबल थी किसके, फॉर पीपल। तो यहां पर क्या हो गया, फॉर पीपल और पर्सन, ये आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटो था, मेन थिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करना नहीं चाहती थी जिससे कि यहाँ के लोगों को तकलीफ बढ़े, यहाँ के लोगों के साथ गड़बड़ किया जाए। क्लियर? तो यहां पर आते हैं हम लोग, कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ तो इसके तरफ विचार दिया जाने लगा, सजेशन दिए जाना शुरू हो गया। तो ये सब क्या हो गया, दैट इज इमेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे लोग आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, गुड इवनिंग। थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को हरासमेंट के कारण, ठीक है ना। तो कल फिर से हम लोग यहाँ से चलेंगे, फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी आप पढ़े होंगे समझ में आया होगा। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितना भी आपका अंडरलाइन किया गया बच्चा, जो भी अंडरलाइन किया गया, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको छोड़ना नहीं आपको, उन सबको क्या कर लेना है, आपको उन सबको नोट डाउन कर लेना है। क्यों? क्योंकि वो सारे चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इसका नोट्स बना के रखना चाहते हो तो ये अंडरलाइन जितना किया हुआ है ना, इन सबको आप नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो, है ना। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पे डाउट होगा, प्रियांशु बिल्कुल बेटा, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है पिछले एक सप्ताह से, मतलब फैमिली मेंबर में, और थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ है, उनके केयर के चक्कर में थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो चलिए, गुड नाइट आप सभी लोगों को, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। बिल्कुल मेरे को अपना एनर्जी रेजुविनेट करना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा सा समय अभी भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, उनका देखभाल करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, जिसके कारण एनर्जी मेरा लॉस हो जाता है। बहुत सही मायने में डिटरमाइन होकर मैं यहाँ पर आता हूँ एक रूटीन को फॉलो करने के लिए। चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरह से शानदार परफॉर्मेंस देते रहिए, आप लोग अच्छा रिजल्ट लाइए।